हम बाइबल के आत्मिक प्राणियों की बात करते आ रहे हैं और हमने देखा कि परमेश्वर अपने स्वर्गीय संसार में है, पर वह अकेला नहीं है। वहाँ सेवा कर्मियों का एक पूरा दल है जिसे बाइबल परमेश्वर की सभा कहती है। परंतु बाइबल के अनुसार आत्मिक संसार में और भी प्राणी रहते हैं, जैसे कि करूब और स्वर्गदूत। तो आइए इनकी बात करते हैं। अच्छा, पहले करूब, वे पंखों वाले गोल मटोल बच्चों जैसे होते हैं, सही कहा ना? नहीं, आपको अपने दिमाग से इस छवि को निकालना होगा। करूब या इब्रानी भाषा में केरुविम इससे कहीं अधिक दिलचस्प है। इन्हें मिश्रित प्राणियों अर्थात विभिन्न पशुओं का एक समुचित चित्र के रूप में वर्णित किया गया है, और जब जब वे प्रकट होते हैं तो थोड़े से वे भिन्न दिखाई देते हैं। ये तो गंभीर बात है। हाँ, इनका उद्देश्य है डर पैदा करना। ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सीमा रेखा की रक्षा करते हैं। यदि आप इन्हें देखें तो समझ जाएंगे कि अब आप परमेश्वर के सामने उपस्थित होने जा रहे हैं, जो सबसे उच्च है। बाइबल की कहानी में करूब हमें पहली बार अदन की वाटिका के बाहर खड़े दिखाई देते हैं। सही कहा, अदन की वाटिका परमेश्वर का मंदिर रूपी निवास स्थान है, और इसीलिए परमेश्वर ने इन आत्मिक सुरक्षा कर्मियों को प्रवेश द्वार पर रखा है, ताकि विद्रोही मानव वापस आकर सब कुछ बर्बाद न कर दें। परंतु बाइबल की कहानी के अनुसार परमेश्वर तो चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में लौट आएं। हाँ बिल्कुल, इसीलिए उसने इसराइल के लोगों को चुना और उन्हें अदन रूपी छोटा सा प्रतीकात्मक उपहार दिया, जिसे तंबू कहा गया है, और जो बाद में यरूशलेम का मंदिर कहलाया। इन दोनों स्थानों में करूबों के रंगे और खुदे हुए चित्र बनाए गए थे, जो याजकों को याद दिलाते हैं कि वे परमेश्वर की उपस्थिति में कार्य कर रहे हैं। अब यदि याजक अति पवित्र स्थान में प्रवेश करता था तो उसे वहाँ एक सोने से मढ़ा हुआ संदूक दिखाई देता था, जिसे वाचा का संदूक कहते थे, और उस पर दो करूब अंकित होते थे। ये सब क्या है? बताता हूँ। बाइबल के लेखक संदूक को परमेश्वर के सिंहासन की चौकी के रूप में वर्णित करते हैं, जिसे करूब धारण किए हुए हैं। जैसे भजन संहिता 99 में लिखा है, परमेश्वर करूबों पर विराजमान है। पर संदूक के ऊपर वास्तव में कोई सिंहासन नहीं था। बिल्कुल ठीक कहा, इसराइलियों को अनुमति नहीं थी कि वे परमेश्वर को किसी प्रतिमा के द्वारा प्रस्तुत करें, पर जब भविष्यवक्ताओं को इस स्थान का दर्शन मिला तो उन्होंने यहोवा को अपने सिंहासन पर विराजमान देखा। अच्छा, तो करूब पवित्र स्थान की चौकसी करते हैं और परमेश्वर के सिंहासन को उठाए रहते हैं, पर वे पशुओं के मिले जुले रूप जैसे क्यों दिखाई देते हैं? दरअसल वे पृथ्वी के समस्त प्राणियों का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि सारे प्राणी परमेश्वर के ही हैं, और इसलिए यशाया के दर्शन में सारे प्राणी गा रहे थे, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। गायक मंडली की तरह? हाँ, गायक मंडली की तरह। करूबों के माध्यम से सारी सृष्टि अपने रचनाकार को स्तुति अर्पित करती है। बढ़िया, ये है करूब। तो आइए अब स्वर्ग दूतों की बात करते हैं। मैं इनके बारे में अच्छे से जानती हूँ। ये पंख लगे हुए इंसानों जैसे होते हैं। नहीं, जरा रुको। बाइबल के स्वर्ग दूतों के पास पंख नहीं है। क्या, कोई पंख नहीं है? स्वर्गदूतों के कोई पंख नहीं होते। वास्तविकता तो ये है कि लोगों को कई बार स्वर्गदूतों को देखकर धोखा हुआ कि वे मनुष्य हैं, क्योंकि वे हमारे ही समान दिखाई देते हैं, बस थोड़े से ज्यादा प्रभावशाली दिखते हैं। परंतु करूबों को तो पंख है। हाँ, और स्वर्गदूत भिन्न है, क्योंकि उनका उद्देश्य भिन्न है। अच्छा, और वो क्या है? देखिए, मनुष्य जब चाहे तब परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकता था, तो परमेश्वर हम तक पहुंचने का प्रयास करता है, और कई बार वह इन आत्मिक राजदूतों के द्वारा ऐसा करता है। तो स्वर्गदूत आत्मिक संदेश वाहकों के समान है? हाँ? हाँ, वास्तव में स्वर्गदूत शब्द का अर्थ है संदेश वाहक। सही, और बाइबल में ये बहुत होता है। जैसे वो स्वर्गदूत जो मरियम को संदेश देता है कि यीशु उसके गर्भ में है। हाँ हाँ, और फिर स्वर्गदूतों का दूसरा कार्य है परमेश्वर की ओर से उसकी योजनाओं को पूरा करना। कभी कभी वे लोगों को संकट से बचाते हैं, जैसे पतरस को बंदी गृह से छुड़ाया था। और कुछ तो बहुत ही बढ़िया स्वर्गदूत है, जैसे मिकाएल और जिब्राइल। हाँ, जिब्राइल नाम का अर्थ है परमेश्वर मेरी सामर्थ्य है, और मिकाएल का अर्थ है परमेश्वर के तुल्य कौन है। पर इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि ये नाम परमेश्वर की ओर इशारा करते हैं, ना कि स्वर्गदूतों की ओर।
मनुष्यों के समान ही ये स्वर्गदूत भी परमेश्वर की उपस्थिति और सामर्थ्य की छवियां हैं। फिर भी अगर किसी स्वर्गदूत से मुलाकात हो जाए तो कितना अच्छा होगा ना? हाँ हाँ, और संभावना है कि आपकी भेंट हो जाए या आपकी हो चुकी हो, परंतु बाइबल में किसी को भी प्रोत्साहित नहीं किया गया है कि वे स्वर्गदूत की खोज में जाएं। और जब स्वर्गदूत प्रकट होते हैं तो लोग या तो उलझन में पड़ जाते हैं या फिर बुरी तरह से डर जाते हैं। और इसीलिए स्वर्गदूत वास्तव में अद्भुत है, परंतु बाइबल में वे एक सहायक भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि परमेश्वर का परम उद्देश्य मनुष्यों को वापस अपनी उपस्थिति में लाने का है, उस स्वर्ग और पृथ्वी में जो फिर से एक हो गई है। और इस बीच में वह स्वर्गदूतों का उपयोग अपने लोगों का मार्गदर्शन और सेवा करने के लिए करता है।